कोलकाता आओ और येलो टैक्सी में हावड़ा से अराउंड ना मारो तो समझो आप कोलकाता आए नहीं। हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है राज सिंह धावा, आप लोग देख रहे हो राज सिंह धावा ब्लॉग। अभी मैं जा रहा हूँ हावड़ा ब्रिज के, द फेमस हावड़ा ब्रिज के वहाँ पर। तो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो हावड़ा ब्रिज। अभी मैं जाने वाला हूँ इस टैक्सी में हावड़ा ब्रिज के राउंड के, आपको दिखाऊंगा क्या एक्सपीरियंस है हावड़ा ब्रिज का। लेट्स गो। सो कहा जाता है कि इस ब्रिज पे ना कोई वॉल्ट है और ना ही कोई नेल। अमेजिंग व्यू। ये मस्ती कर रहा है मस्त अपने मॉल में। ओह, ही इज इन हिज ओन स्पॉट। या ब्रो, लेट्स गो। इज हैविंग फन। तो अगर आपको टैक्सी राइड नहीं करनी जैसे कि मैं कर रहा हूँ, बट टैक्सी से बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है, आप चल भी सकते हो हावड़ा ब्रिज के एक्सपीरियंस करने के लिए, बट ये काफी लंबा है। अभी मैं जाऊंगा यहाँ से चल के हावड़ा ब्रिज के नीचे से और आपको बताऊंगा एक्सपीरियंस घर बैठे बैठे हावड़ा ब्रिज का। यहाँ पे साइड ऑफ द रोड पे आपको ऐसे लोग कुछ ना कुछ बेचते हुए नजर आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। This is Ganga Nadi and this is Hawra Bridge. So yeah, traveling in Kolkata is very very expensive. You know, तो अच्छा लग रहा है चल के, थोड़े पैसे भी बच रहे और एक नया experience मिल रहा है about the Hawra Bridge. For me, so जो भी यहाँ पे आएगा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को travel पे बहुत पैसा खर्चना पड़ेगा, like 100 रुपये से 200 रुपये तो at least I think 2 किलोमीटर पे ही लग जाते हैं यहाँ पर, और सबका अपने अपने रेट है। ओला यहाँ पे चलता है, ऊबर यहाँ चलता है, स्विगी चलता है। तो ये है मेरे पीछे द फेमस हावड़ा ब्रिज। इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस टैक्सी से भी और चल के भी, थोड़ा अलग फीलिंग आया है। बाजू में गंगा नदी है और यहाँ पे हावड़ा ब्रिज। कोलकाता आओ और रसगुल्ला ना खाओ तो समझा कोलकाता आए नहीं। मैं बहुत मिठाई लवर, मुझे मिठाई बहुत पसंद है और मैं कोलकाता आया हूँ ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ मिठाई। ये संदेश है ऑफकोर्स वेरी यू नो ऑथेंटिक बंगाली मिठाई एंड दिस आर ऑल द अदर ऑप्शंस। मैंने कम से कम 10 पीस खाया है, ये मेरा 11वां पीस है। अच्छा।